हिंदू यहाँ कौन कौन है हाथ उठाए तो? हनुमान चालीसा सुना देंगे। ठीक है, हमने क्या कहा? मेरे बाप ने मुझको टीका लगाना नहीं सिखाया। सबसे पहले तो हम भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, ना कि हम हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है। नहीं, हिंदू ये भी है, रक्षा ये भी बांधे हैं, लेकिन हमने ये कब कहा कि ये मेरा भारत नहीं है? मैंने भारत की संस्कृति के बारे में बात की, मैंने अपने अस्तित्व के बारे में बात की। मदरसा है जो अपने संस्कृति वो लोग अपना बनाए हुए हैं, लेकिन हिंदू अपना संस्कृति भुला रहा है, तन्नी तन्नी को कपड़ा पहन रहा है। ये हमारे जब तक बेटी या बहन नहीं अपने से कल्चर अपनाएगी तो कोई नहीं अपनाने देगा। जितना चाहेगा अगला कि आंख फाड़ के देखी, बुरी नजर से देखी, और अपना छोड़ हम तो देखबे करते ही हमारे दोस्तों को कमेंट मार। अगर हमारे बाप टीका लगाता ना भैया तो आज हम टीका लगा के घूमते, लेकिन मेरा बाप टीका नहीं लगाइस, मेरा अगल बगल के टीका लगा के नहीं घूमिस, जिसका अफसोस है हमें। लोग टोपी लगा के अपने गर्व से चलते हैं ना जी, कि हम फलनवा हैं, हम चिलनवा हैं, हम हिंदुत्व में अभी कहेगा कि रे चमार कौन है तो दो गो उठाएगा, रे यादव कौन है दो गो उठाएगा, लेकिन अगर हिंदुत्व के लिए हाथ कोई उठाए तो सबका उठेगा। मदरसे में सब कोई जानते हैं कि अच्छा पढ़ाई होता है उनके धर्म के लिए होता है, लेकिन मेरे धर्म के लिए क्या होता है? ना नीतीश बाबू, ना लालू जी, ना कोई और धर्म संस्कृति स्कूल कहे नहीं बनवा। अगर हिंदुत्व भी एक है तो उसके लिए भी संस्कृति संस्था होना चाहिए ना, जहाँ हिंदू पढ़े अपने धर्म के बारे में जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मदरसे में सब कोई जानते हैं कि अच्छा पढ़ाई होता है उनके धर्म के लिए होता है, लेकिन मेरे धर्म के लिए क्या होता है? ना नीतीश बाबू, ना लालू जी, ना कोई और धर्म संस्कृति स्कूल कहे नहीं बनवा। हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारे जो हिंदू की अपने ही संस्कृति नहीं जानते हैं, आज छोटा छोटा कपड़ा लेके बहन रहा है, यही मरीन ड्राइव पे देखिए चपक चपक के घूम रहा है, छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, उसका क्या संस्कार है? अरे सुनिए, कपड़ा अधिकार नहीं है, आपका भाई, आपका बाप, आपका माँ कुछ नहीं बोलता है, काहे नहीं बोलता है? आप ऐसा पहनाते हैं, हम कमेंट करते हैं भैया हम खुद कर रहे हैं, गंदा गंदा सोच लगता है, दोस्त होता है ना कहता है बाप रे बाप, ऐसे ऐसे का जरूरत है? अपना भाई हम किसी, मेरी बहन है मान लिया, हम मेरा बहन गलत कर रहा है तो हम उसको देखेंगे ना जी कि मेरा बहन जो है कैसा कपड़ा पहन रहा है। मेरी बेटी है तो मैं देखूंगा ना जी कि मेरी बेटी कैसी कपड़ा पहन रहा है। मतारी खुद ऐसा शॉपिंग करवाता है, बाप ऐसा करवाता है, कहे करवाता है? मेरा धर्म जो है ना, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है हमारे देश, वेस्टर्न तो भैया हमारे कल्चर अपना रहा है। हाँ, बिल्कुल टीका लगाता है, हम लोग अपने बच्चे को स्कूल उसका अपनाते हैं नहीं। हाँ, हम लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते समय टीका करते हैं? नहीं करते हैं टीका, पहले तो होता था, अब नहीं होता। हाँ, नहीं होता। मेरा पैर थरथरा रहा है इसलिए बोलते हुए कि मैं बोल रहा हूँ, हो सके गलत नहीं ना बोल रहा हूँ, ये लोग मुझे गाली देंगे, ये लोग मुझे बोलेंगे, इसलिए थरथरा रहा है, लेकिन सच्चाई के लिए सबको उठना पड़ेगा भैया, उठना जरूरी है। अगर हम आज नहीं उठे तो एक दिन मेरा देश, ये जो मेरा देश है ना, विदेशी बनेगा, अफगानी बनेगा। यहाँ पढ़ाई हिंदी नहीं होती, हिंदी उतना हो नहीं होता। सही बात है। एक बात हम भी जोड़ना चाहते हैं कि हिंदी दिवस की बात करते हैं लोग, और हिंदी दिवस 2-3 दिन पहले खत्म हुआ है, और अभी हाल ही में एक ट्वीट आया था कि हिंदी जो नंबर प्लेट होता है गाड़ी का, नंबर प्लेट जो हिंदी में होता है उसको लेकर के FIR हो जाता है कि किस देश में, मतलब कि हिंदी नंबर प्लेट क्यों लगता है? यहाँ पे अरबियन पढ़ाया जाता है, बहुत सा ऐसा दूसरा दूसरा देश के भाषा पढ़ाया जाता है, मगर हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता। पहली बात तो संस्कृत को किसी को मालूम नहीं होगा, ज्यादातर लोग को संस्कृत विद्यालय को लगभग लोगों बिहार से बंद कर दिया। नहीं, बंद करने का, मदरसा ना है, मदरसा है जो अपने संस्कृति वो लोग अपना बनाए हुए हैं, लेकिन हिंदू अपना संस्कृति भुला रहा है, वेस्टर्न अपना रहा है, तन्नी तन्नी को कपड़ा पहन रहा है। ये हमारे जब तक बेटी या बहन नहीं अपने से कल्चर अपनाएगी तो कोई नहीं अपनाने देगा। जितना चाहेगा अगला कि आंख फाड़ के देखी, बुरी नजर से देखी, और अपना छोड़ हम तो देखबे करते ही हमारे दोस्तों को कमेंट मार। तो ये गलत बात है भैया, ये हमें सुधारना पड़ेगा, हमारे बहनों को सुधारना पड़ेगा, हमारे बाप को सुधारना पड़ेगा। बाप टीका नहीं लगा, सोच को सुधारना पड़ेगा। अगर हमारे बाप टीका लगाता ना भैया तो आज हम टीका लगा के घूमते, लेकिन मेरा बाप टीका नहीं लगाइस, मेरा अगल बगल के टीका लगा के नहीं घूमिस, जिसका अफसोस है हमें। लोग टोपी लगा के अपने गर्व से चलते हैं ना जी कि हम
फलनवा है, हम चिलनवा है, हम हिंदुत्व में अभी कहेगा कि रे चमार कौन है तो दो गो उठाएगा, रे यादव कौन है दो गो उठाएगा, लेकिन अगर हिंदुत्व के लिए हाथ कोई उठाए तो सबका उठेगा। हिंदू यहाँ कौन कौन है हाथ उठाए तो बस इतने हाँ सब है। देखो अगर कहे कि हम यादव कौन है तो एगो उठेगा, पै राजपूत कौन है रे तैं एगो। तो भैया हम भी सिंगर हैं एगो, जी आर अमित कुमार हमरो नाम है, ठीक है, हमू भक्तिये के गाना करते हैं, लेकिन भैया हम सब अलग अलग गाना है, अलग अलग तरह का सोच है, लेकिन सोच को अपना भैया बरकरार रखिए, अपने देश के प्रति अपने संस्कृति के प्रति सम्मान रखना बहुत जरूरी है। अब भैया पहले आपको सलाम, वाह भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप भी बोलिए। हिंदू हुए ये ठीक ना, थोड़ा सा हनुमान चालीसा सुना देंगे ठीक है। हमने क्या कहा, मेरे बाप ने मुझको टीका लगाना नहीं सिखाया। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, ना कि हम हिंदू है ना मुस्लिम है, सिख है ना ईसाई है। नहीं, मेरी ये बात सुनिए, आपने आवाज उठाई ना, इससे मेरे भारत का तरक्की नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र में आजादी है भाई साहब, राजनीतिक हर एक जगह नहीं हो सकता है, राजनीतिक हर एक जगह नहीं हो सकता है। ये नहीं कहा, पहले मेरी बात, ये बोलना चाहिए था आपको कि हम हिंदू हैं हाथ उठाइए, नहीं ये बोलना चाहिए था कि हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है। आपने आवाज उठाई, यस उठाएंगे, भारत के लिए जब भी होगा सबसे पहले मेरा हाथ उठेगा, सबका हाथ उठेगा हिंदुस्तान के लिए। हमसे बोले पहले, मेरा भी सुनिए, मेरे नहीं, आप जो बोले 100% गलत बोले, ठीक है, मैंने गलत बोला मत कीजिए, अरे गलत हम अपने देवी देवता को बोले कि मेरा ये है वो है, बोलो आप कह रहे थे हिंदू ये भी है, ऐसा ना है, हिंदू ये भी है, रक्षा ये भी बांधे है, लेकिन हिंदुस्तान ने ये कब कहा कि ये मेरा भारत नहीं है। मैंने भारत की संस्कृति के बारे में बात की, मैंने अपने अस्तित्व के बारे में बात की। पहले यहाँ पे आर्ट किया जा रहा है, ठीक ना, ई भाई जी के द्वारा, इनके बारे में एक मिनट भी नहीं बोले, लेकिन आप हिंदुत्व के बारे में, सबसे पहले इनके बारे में नहीं, भारतीय के बारे में नहीं, इनके मैक्सिमम इसके बारे में बोलना था आपको, क्योंकि इनके लिए इतना सबको बताना भी जरूरत था, इतना ठीक है, ठीक है। भारत एक लोकतंत्र का देश है, यहाँ सभी किसी को जीने के अधिकार है, ठीक है। और कपड़ा का जो बात है, कपड़ा सब कोई जिसको जो पहनना है पहनेगा। वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर इसलिए हमारे देश में हावी हो रहा है कि वो थोड़ा मॉडर्न होते जा रहा है, बॉलीवुड के कारण ज्यादा हो रहा है। अरे ठीक है, तो बॉलीवुड को बाइकॉट करिए आप, भोजपुरी को बढ़ावा करिए, उसको तो सबसे पहले बाइकॉट करना चाहिए।